वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाने के लिए इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए वहां पर आपको सारी पी डी एक साथ मिल जाया करेगी चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन को तो लास्ट डे मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे जैसे कि मैं रोज पूछता हूँ जिसमें पहला था यूनाइटेड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यूनाइटेड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों कोलकाता में इसके साथ ही सी एन ई एस किस देश की स्पेस एजेंसी है इस

लॉन्च किया है ठीक है इसका सफलतम परीक्षण किया है तो ये कहाँ पर किया है राजस्थान के पोखरण में बहुत ही आधुनिक गाइडेंस किट से लैस है दोस्तों यानी अल्ट्रा मॉडर्न गाइडेंस किट से लैस है ये मल्टी बैरल पिनाका रॉकेट सिस्टम ठीक है मल्टी बैरल है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ठीक है इसके साथ ही इसमें नोविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है और कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है इस वजह से ये और भी ज़्यादा सटीक निशाना लगा सकता है अगर हम लोग बात करें इस गाइडेज वेपन की रेंज की तो 70 से दोस्तों 90 किलोमीटर की रेंज है यानी कि 70 से 90 किलोमीटर तक के दुश्मनों को के ठिकानों को आसानी से ये ध्वस्त कर सकता है ठीक है पिनाका गाइडेज वेपन सिस्टम तो अभी हाल ही में डी ने इसका सफलतम परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण में क्लियर है तो अब डी के बारे में हम लोग जानते हैं डी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में 1958 में इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में तो इतना आपको डीआरडीओ से भी पता होना चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ओ आरक्षण कोटे को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ओबीसी आरक्षण कोटे को बढ़ाकर कर दिया है दोस्तों 27 परसेंट ठीक है पहले था चौदह प्रतिशत अब इसको बढ़ा के कर दिया है सत्ताईस प्रतिशत ओ आरक्षण कोटे को ठीक है तो अब ओ के कैंडिडेट्स को वहाँ पर सत्ताईस परसेंट आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा तो इसकी घोषणा कौन किया इसकी घोषणा किए हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री कानून राज्य मंत्री पी शर्मा ठीक है कौन मध्य प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा इसके लिए दोस्तों पहले आनंदीबेन पटेल जो कि यहाँ के गवर्नर हैं उनसे सहमति मिली उसके बाद अध्यादेश जारी कर दिया गया ठीक है तो मध्य प्रदेश स्टेट में अब ओ को मिलेगा सत्ताईस रिजर्वेशन क्लियर है अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश इमेज में आपको दिख रहा है भारत में इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश के सीएम हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के करंट टाइम पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ मध्य प्रदेश आ ही गया है तो यहाँ के कुछ नेशनल पार्क को भी जान लेते हैं तो यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क है कान्हा केसली नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है तो इन तीनों नेशनल पार्क के आप लोग नाम याद रखिएगा इंद्रावती कान्हा किसली और बांधवगढ़ क्लियर है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला है हथियारों के आयातकों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है तो हथियारों के आयातकों की लिस्ट में यानी कि इम्पोर्टर्स की, की लिस्ट में भारत को स्थान मिला है दोस्तों दूसरा करंट टाइम पर इंडिया दुनिया भर से हथियारों के खरीद के मामले में दूसरे स्थान पर है ठीक है हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है अच्छा ये बताया किसने ये एक रिपोर्ट आई है सिप्री रिपोर्ट एस आई पी आर आई सिप्री की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये बताया गया है सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है सिप्री का फॉर्म होता है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने ही अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र 2018 तो इसके अनुसार बताया है इसने कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों खरीद की खरीद के मामले में भारत का स्थान है पहला कौन है पहले स्थान पर है सऊदी अरब कौन है सऊदी अरब है फर्स्ट पोजीशन पर आपको इमेज दिख रही होगी इमेज में आपको लिस्ट दिख रही है ठीक है इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो इम्पोर्ट की बात हो गई अब बात आती है कि कौन सप्लायर है यानी कि इंडिया इंडिया को देता कौन है हथियार सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा देने के हथियार के मामले में हथियार बेचने के मामले में रसिया है ठीक है रसिया से इंडिया 58 परसेंट वेपन्स खरीदता है हथियार खरीदता है इसके बाद पंद्रह परसेंट हथियार वो खरीदता है इसराइल से इसके साथ ही यूएस से यानी कि अमेरिका से बारह परसेंट हथियार खरीदे जाते हैं इंडिया में क्लियर है तो ये तो थी इसकी रिपोर्ट सिपरी की जिसमें बताया गया कि हथियारों की खरीद के मामले में इंडिया विश्व में दूसरे स्थान रखता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र से डॉक्टरेट की डिग्री मिली तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से यूनाइटेड नेशन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल हुई है दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी को जो हमारे करंट टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट हैं तो हमारे भारत के तेरहवें वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को संयुक्त राष्ट्र से यानी यूनाइटेड नेशन से डॉक्टर ऑफ फिलासफी की डिग्री दी गई है ठीक है ये डिग्री दी किस यूनिवर्सिटी ने है ये भी पूछा जा सकता है आपसे तो इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पीस नेशंस जोन्स ने दिया है ठीक है किसने यूनिवर्सिटी ऑफ पीस नेशंस जोन्स ने इस डिग्री को दिया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को ठीक है इन्होंने इंडिया में कानून का शासन लोकतंत्र डेमोक्रेसी सतत विकास और इसके योगदान के लिए इनके जो इन्होंने योगदान दिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान उसके लिए इनको दिया गया है अब आया है संयुक्त राष्ट्र तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र से भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसी वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस ठीक है 1945 में हुई थी इसकी स्थापना इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट जो मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप लोग रोजाना वीडियो देखते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा अगर आप पहली बार आए हैं तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग सुना कीजिए ध्यान से क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाती है तो इस तरह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए इनमें मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ लास्ट डे में जो मैं एक्सप्लेन किया रहता हूँ उसी में से अगले दिन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे क्या होता है कि आपका पिछले दिनों के जो बीच के पॉइंट बताए रहते हैं गए रहते हैं उनसे रिविज़न हो जाता है तो इसी प्रकार से आप लोग रिवाइज करते रहिए और अच्छे से वीडियो को देखते रहिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग हाल ही में किस खिलाड़ी को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया तो अभी हाल ही में दीपा कर्माकर को बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है ठीक है इनको अभी हाल ही में बारबी नाम के एक कंपनी है उसने एक डॉल गिफ्ट करी है जो कि इन्हीं का स्टैचू है दीपा कर्माकर का दीपा कर्माकर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा भारत की ये जिमनास्ट हैं ठीक है तो बारबी नाम की कंपनी है दोस्तों वो अभी हाल ही में अपना साठवीं एनिवर्सरी मनाई है ठीक है साठवां सालगिरह मनाई है बारहवीं कंपनी तो इसी एनिवर्सरी के मौके पर इनको दीपा कर्माकर को दी है एक बारबी गर्ल गिफ्ट की है इनको बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना है ठीक है अब बात आती है कि इसके लिए दीपा कर्माकर को ही क्यों चुना गया बारबी रोल मॉडल के रूप में तो दोस्तों बारबी कंपनी 2015 में एक सेरो प्रोग्राम लॉन्च की थी कौन सा सेरो प्रोग्राम लॉन्च की थी तो उसी का ये हिस्सा थी दीपा कर्माकर इसी वजह से इनको चुना गया है बारबी रोल मॉडल ठीक है दीपा कर्माकर से एक पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि ओलंपिक में भारत की पहली महिला जिमनास्ट थी ये दीपा कर्माकर और इन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था तो इस वजह से इनका नाम हाईलाइटेड हुआ था काफ़ी ज़्यादा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एक मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की तो अभी हाल ही में आई ने दोस्तों भारत में एक मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है आई दोस्तों प्रशिक्षित करेगा यानी ट्रेनिंग देगा छात्राओं को कौशल विकास के लिए ठीक है कौशल विकास जो कार्यक्रम है इंडिया में उसी के तहत ये सरकार की मदद करेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद करेगा इसमें दोस्तों आई जो है ये मैथ हो गया इंजीनियरिंग हो गई साइंस और टेक्नोलॉजी हो गई इन सभी के फील्ड में ये ट्रेनिंग देगा छात्राओं को ठीक है आई का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन कॉरपोरेशन ठीक है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन तो ये अगले तीन वर्षों तक भारत में एक मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने की ट्रेनिंग देने की घोषणा कर चुका है अभी हाल ही में क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी को लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया तो अभी हाल ही में एम ई आई एल को लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया एक्चुअल में दोस्तों ये एम ई -E आई एल कंपनी जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की एक दिग्गज कंपनी है काफ़ी नामी कंपनी है तो इन्होंने अभी हाल ही में इस कंपनी ने एक रिकॉर्ड कायम किया वो रिकॉर्ड क्या था कि सात महीनों के अंतर्गत एक पावर सब स्टेशन को पूरा कर दिया इसने जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है तो इसी वजह से लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है ठीक है इसी के साथ ही इसका नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है तो ये भी याद रखिएगा एम ई आई एल के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या होता है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तो अभी हाल ही में लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में ये कंपनी शामिल की गई है क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में ग्रीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला की उम्र कितनी है तो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जीवित महिला की उम्र बताई गई है जिनका नाम गनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है उनकी उम्र है 116 वर्ष कितना 116 वर्ष इनका नाम है दोस्तों तनाका क्या नाम है तनाका तनाका नाम की ये बुजुर्ग महिला है जो जापानी महिला है और जीवित सबसे बुजुर्ग महिला है ठीक है जीवित इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे पहले एक और महिला थी चिओ मियाको कौन थी चियो मियाको जापान की ही वो भी थी वो 117 साल की हो चुकी थी लेकिन उनका निधन हो गया है तो इस वजह से 116 सो वर्ष की ये हैं करंट टाइम पर दुनिया की सबसे जीवित बुजुर्ग महिला ठीक है तो जीवित याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है जापान की ये है महिला तनाका है इनका नाम क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीजा समझौता किया गया तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में दोस्तों बीजा समझौता किया गया अब ये बीजा समझौता क्या है इस समझौते के तहत क्या किया गया इसके तहत दोस्तों मालदीव के जो बिज़नेसमैन हैं और टूरिस्ट होंगे पर्यटक होंगे उनके लिए ये कहा गया उनको छूट ये दी गई है कि अगर वो बिना वीजा के आना चाहें इंडिया में तो बिना वीज़ा के वो 90 दिनों तक रह सकते हैं कितने दिनों तक नब्बे दिनों तक वो इंडिया में रह सकते हैं बिना वीज़ा के भी और इसके साथ ही अगर मान लीजिए वो पर्यटक हैं या बिज़नेसमैन हैं और इंडिया में आते हैं और उनका टाइम क्राइटेरिया ख़त्म होने वाला होता है और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो और भी टाइम रुक सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में तो ये छूट दी गई है मालदीव के लोगों के लिए क्लियर है तो मालदीव और इंडिया के बीच में अभी हाल ही में वीज़ा समझौते पर हस्ताक्षर हुए क्लियर है अब मालदीव आया है तो मालदीव के बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए मालदीव की राजधानी होती है माले यहाँ की मुद्रा होती है मालदीवियन रुपया क्या होती है मालदीवियन रुपया है यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली कौन है इब्राहिम मोहम्मद सोली क्लियर है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ग्यारह मार्च को ग्यारह मार्च 2019 को सैतालीस पद्म पुरस्कारों को वितरित किए ठीक है पद्म पुरस्कारों की घोषणा दोस्तों हो चुकी थी जनवरी में ही 26 जनवरी को मैंने आपको इसके बारे में बताया था ठीक है तो सत्ता सैंतालीस टोटल पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया अभी हाल ही में ग्यारह मार्च को मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न उसके बाद नंबर आता है पद्म अवार्ड्स की ठीक है तो पद्म पुरस्कार में भी सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण सेकेंड पर होता है पद्म भूषण और थर्ड पर होता है पद्मश्री यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत रत्न होता है सबसे बड़ा सबसे हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड उसके बाद होता है सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण का थर्ड सेकेंड पर होता है पद्म भूषण का उसके बाद होता है पद्मश्री का ठीक है तो इस बार टोटल सैंतालीस लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और इसके साथ ही तीन लोगों को मिला है भारत रत्न जिनकी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है तो आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल भारत रत्न या फिर भारत रत्न मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है भारत रत्न के बारे में पूरा बैकग्राउंड से लेकर के करंट टाइम तक की पूरी जानकारी उसमें मैंने दी है ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के सिरसी सुपारी को जी टैग दिया गया तो अभी हाल ही में सिरसी सुपारी जो कि है उत्तराखंड की इसको जी टैग मिला है ठीक है जी टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये अक्सर आता रहता है वर्ड और मैंने हर बार आपको बताया है कि अगर कोई प्रोडक्ट कोई ऐसा आइटम जिसकी वजह से वो पूरा पूरा का पूरा एरिया फेमस हो जाता है तो उसके लिए उसको जी टैग दे दिया जाता है भौगोलिक सांकेतिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है ऐसे ही है उत्तरा कन्नड़ जहाँ पर जहाँ की सिरसी सुपारी को दोस्तों घोषित किया गया है जी टैग मिल गया है ठीक है उत्तरा कन्नड़ मंगलुरु के आसपास का क्षेत्र है जो कि है कर्नाटक में तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को सिरसी सुपारी को जी टैग दिया गया है यहाँ के सिरसी सुपारी को ठीक है तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा वीडियो को देखते हुए काफ़ी नॉलेज भी गेन किया होगा तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तो आज का पहला क्वेश्चन है गोल्डन पिकॉक अवार्ड की शुरुआत कब हुई इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रमुख कौन है तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट डे की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया टाइम क्राइटेरिया के अंतर्गत तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर किया करो और डिटेल में आंसर किया करो अगर आप लोग डिटेल में आंसर करोगे तो मैं आपका नाम भी बताऊंगा जैसे कि मैं रोज़ बताता हूं ठीक है तो लास्ट डे जिन्होंने आंसर किया उनके नाम हैं कामनी मिश्रा मंटू कुमार अमृता शर्मा अर्जुन सिंह शिल्पी जैन अमरजीत संगीता रावत रवि ठाकुर आयुषी सनोदिया विशाल सिंह ममता रानी दिनेश पवार दीपेंद्र सिंह राजपूत और कृपा राम तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर जरूर किया करो तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट